मेरी आंखों से मेरे ख्वाब न छीनिए शहजादे, मैं मर जाऊंगी। दोस्तों, यह फिल्मी ट्रेलर किसी परिचय का मोहताज नहीं। इसको देखकर आप समझ गए होंगे कि यह ट्रेलर मशहूर और मारूफ फिल्म मुगले आजम का है। वही मुगले आजम जिसने पहले ब्लैक एंड वाइट और बाद में कलर्ड होने के बाद भारतीय सिनेमा जगत में खूब धूम मचाई और इस फिल्म के डायलॉग्स लोगों के दिलो दिमाग पर छा गए। जी हाँ, इन्हीं डायलॉग्स को लिखने वाले कमाल अमरोही उत्तर प्रदेश के अमरोहा के निवासी थे। कमाल अमरोही की फिल्म महल, रजिया सुल्तान और पाकीज़ा सदाबहार ऐसी फिल्में हैं जो कि दर्शकों को आज भी लुभाती हैं। अमरोहा के मोहल्ला लकड़ा में कमाल अमरोही की पुश्तैनी हवेली आज भी लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। कमाल अमरोही जब तक हयात रहे, वह हर वर्ष मुहर्रम पर अमरोहा आते रहे और अपनी इस हवेली में ठहरते रहे। अभी भी उनका परिवार मुहर्रम पर यहाँ आता है। कमाल अमरोही की यह पुश्तैनी हवेली उनकी ढेर सारी यादों को संजोए हुए है। इस हवेली में कमाल अमरोही के अनेक यादगार फ़ोटो लगे हुए हैं। वहीं उनकी मशहूर व मारूफ फिल्मों में इस्तेमाल में लाई गई अनेक यादगार वस्तुएं भी यहां पर संजो कर रखी गई हैं। इनमें फिल्म पाकीज़ा में इस्तेमाल में लाया गया पानदान व थूकदान भी रखा हुआ है। कमाल अमरोही ने जहां भारतीय सिनेमा में बड़ा योगदान दिया, वहीं उन्होंने अमरोहा की भी पहचान को न कि देश बल्कि दुनिया भर में बुलंदियों पर पहुँचाया। जी हाँ, उन्होंने ही इसे कमाल अमरोही वाला अमरोहा के नाम से खूब प्रसिद्धि दिलाई। यह सिलसिला अभी भी लगातार जारी है। ज़मीन अमरोहा जो हकीकत में हजरत सैफुल्ला साहब के हवाले से पहचानी जाती है, एक जिंदा मौजूदा यहाँ का कि जहाँ बिच्छू भी डंक नहीं मारते, एक ऐसे बुजुर्ग शख्सियत की औलाद में से ही अमीर हैदर कमाल अमरोही का ताल्लुक है, जो सन 1918 में अमरोहा में पैदा हुए और जो जैसा कि उनका नाम है कमाल अमरोही, उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में कमाल मचा दिया, कमाल पैदा किया, कुछ फिल्म इंडस्ट्री को यादगार फिल्में दी जैसे महल है, रजा सुल्तान है, पाकीज़ा है, और उनके वो डायलॉग्स जिसके लिए उनको अवार्ड भी मिला था, मुगले आज़म के डायलॉग्स पूरे हिंदुस्तान में मशहूर हैं बल्कि पूरी उर्दू दुनिया और हिंदी दुनिया में कमाल अमरोही साहब के मुगले आज़म के डायलॉग्स दोहराए जाते हैं, पढ़े जाते हैं। वो एक बेहतरीन शायर भी थे और एक बेहतरीन स्क्रिप्ट राइटर और डायरेक्टर भी थे, और ये सिलसिला उनके यहाँ अभी भी जारी है। उनकी औलाद में तायदार अमरोही साहब खुद शायर हैं, उनकी बेटी रुखसार अमरोही साहिबा भी एक बड़ी शायरा है। ये पूरे अमरोहा को जो ख़ास करके पहचान मिली है वो कमाल अमरोही से ज़्यादा पहचान किसी ने नहीं दी, जबकि उनका पूरा घराना है जिसमें जॉन एलिया भी है। हम चंदन भाई कहते थे, उनका घर का नाम चंदन था। मुहर्रम पर वो आते थे और यहाँ की जुलूस में, यहाँ की मजलिसों में शरीक होते थे। एक मरतबा उन्होंने मुझे भी हुक्म दिया कि उनकी जो मजलिस होती है उसको मैं पढ़ूँ, लेकिन मैं उसमें हाजिर नहीं हो सका था। बहरहाल अमरोही से उनका बहुत ज़बरदस्त ताल्लुक रहा। अफसोस यह है कि वो अमरोही आके दफन नहीं हो सके।